हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का आपका टॉपिक है कंडक्टोमेट्री। बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आज हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 5th में कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री की इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे पूछे एक्सप्लेन कंडक्टोमेट्री, तो आपको पूरा ही एक्सप्लेन करना है। इसका इंट्रोडक्शन, कंडक्टिविटी सेल, टाइट्रेशन कैसे होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, पूरा एक्सप्लेन करना है 10 मार्क्स में। और अगर आपको पूछे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो ये जो सिंगल सिंगल टॉपिक है ये आपको 5 मार्क्स में आएंगे। इसकी जो एप्लीकेशन है वो आपको 2 मार्क्स में भी पूछी जाती है। तो देख लो टॉपिक टॉपिक का फर्क है। अगर सिंपल पूछे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन तो 5 मार्क्स, पूरा पूछे तो 10 मार्क्स। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज अपन देखेंगे कंडक्टिविटी का पूरा इंट्रोडक्शन कि कंडक्टोमेट्री होता क्या है। कल से अपन देखेंगे सेल वगैरह और टाइट्रेशन वगैरह। फिर एप्लीकेशन थोड़ी देर की है, 2-5 मिनट की, वो मैं करवा दूंगा आपको उसी लेक्चर में साथ में। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंडक्टोमेट्री। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो मैंने टेलीग्राम की या फिर वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखो सिंपल सी डेफिनेशन होती है कंडक्टोमेट्री की। कंडक्टोमेट्री क्या होता है? मेजरमेंट करना, किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी का मेजरमेंट करना। क्या बोल रहा हूं मैं? किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी का मेजरमेंट करना, उसे हम कहेंगे कंडक्टोमेट्री। और मेजरमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट आते हैं अलग से। तो किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर करना, उसे हम कहेंगे कंडक्टोमेट्री। अब ये जो वर्ड है कंडक्टिविटी, ये आती क्यों है? किसी भी सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी क्यों आती है? तो देखो, जैसे मान लो ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में क्या है? आयन्स प्रेजेंट है, ओके। अब वो केटाइन हो सकते हैं या एनाइन। केटाइन भी हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं, या एनाइन भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं। मतलब कोई सॉल्यूशन है उसमें आयन्स प्रेजेंट है। अब चाहे वो केटाइन भी हो सकते हैं, एनाइन भी हो सकते हैं, तो उन आयन में क्या होगा? मोमेंट होगा। जैसे कोई आयन यहाँ पर है तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर है तो यहाँ पर आएगा। ये सॉल्यूशन के अंदर क्या चल रहा है? आयन्स का मोमेंट चल रहा है। कोई यहाँ पर है तो यहाँ पर जाएगा। तो इन मोमेंट ऑफ आयन की वजह से क्या होता है? कंडक्टिविटी डेवलप होती है। तो वॉट इज कंडक्टोमेट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि कंडक्टोमेट्री क्या है। मेजरमेंट करना कंडक्टिविटी का, किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी का मेजरमेंट करना होता है कंडक्टोमेट्री, ठीक है। अब ये कंडक्टिविटी आती कहाँ से है? जिसको हम मेजर कर रहे हैं वो कंडक्टिविटी आती कहाँ से है? तो वो आती है आयन्स के मूवमेंट से। अब आयन चाहे केटाइन हो, एनाइन हो, तो अगर सॉल्यूशन में आयन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर देखो, ये कोई सॉल्यूशन है, यहाँ पर आयन्स है, और अगर मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिया और इलेक्ट्रोड में करंट लगा दिया, वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये आयन्स की मूवमेंट होगी, और इसी मूवमेंट ऑफ आयन से क्या जनरेट होता है? कंडक्टिविटी। और उसको मेजर करते हैं हम, और उसे हम कहते हैं कंडक्टोमेट्री, ठीक है। काफी सिंपल है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल में क्या लिखा हुआ है, कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की एबिलिटी टू पास एन इलेक्ट्रिक करंट, ओके। जैसे मान लो ये हमारा सॉल्यूशन है, इसमें काफी सारे आयन है, ओके। अब यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोड डिप कर दिए और यहां से वोल्टेज अप्लाई करते हो। अब ये वोल्टेज की वजह से क्या होगा कि ये आयंस का मूवमेंट होगा, ठीक है। और आयंस के मूवमेंट से क्या होगा? यहाँ पे कंडक्टिविटी डेवलप होगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है कंडक्टोमेट्री का कि कंडक्टोमेट्री क्या है? एबिलिटी है, इज द एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की एबिलिटी बोल लो, चाहे मेटल इलेक्ट्रोड जो अपन यूज कर रहे हो उसकी एबिलिटी बोल लो, टू पास एन इलेक्ट्रिक करंट। सॉल्यूशन की एबिलिटी या फिर मेटल इलेक्ट्रोड की एबिलिटी टू पास एन इलेक्ट्रिक करंट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टोमेट्री, ओके। अब देखो सॉल्यूशन में क्या होगा? करंट जो है कैरिड होगा या तो कैटाइन और एनाइन में। जैसे मान लो ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब करंट कैसे फ्लो होगा? कैटाइन एनाइन की फॉर्म में होगा। कैटाइन पॉजिटिव चार्ज, एनाइन नेगेटिव चार्ज। और मेटल्स में बात करूं तो मेटल्स में होगा इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो मेटल में करंट कैसे थ्रू होता है? फ्लो होता है, कैरी होता है इलेक्ट्रॉन के थ्रू। कुछ भी वर्ड यूज कर लो आप, फ्लो बोल लो, कैरी बोल लो। तो मेटल में जो करंट है वो कैरी होता है इलेक्ट्रॉन के थ्रू,
वहीं अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन में तो आयंस होते हैं, आयंस जैसे केटायन और एनायन, तो करंट वहां पे केटायन एनायन की मदद से फ्लो होता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मैंने बोला था किसी भी मेटल में या कोई सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में तो हो गया केटायन एनायन, मेटल में हो गया इलेक्ट्रॉन की वजह से। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको दे रखा है ए सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर। अब मान लो ये कोई सॉल्यूशन है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर वो डिपेंड करता है किस किस बातों पे। सबसे पहला कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। सेकंड है मोबिलिटी ऑफ आयन, जो आयन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे मान लो ये आयन है, और मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ, ये आयन है, तो ये आयन जो है मूव कितनी स्पीड से कर रहे हैं, उनकी मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी मतलब स्पीड, उनकी मूवमेंट की स्पीड, एक जगह से दूसरी जगह जाने की स्पीड क्या है, ठीक है। एक तो बिल्कुल धीरे होगी तो फिर कंडक्टिविटी होगी ही नहीं, आयन बिल्कुल धीरे धीरे मूव करेंगे तो कनेक्टिविटी होगी ही नहीं, ठीक है। तीसरा है टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, सीधी सी बात है। देखो अगर इस सॉल्यूशन का मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, नीचे से आग लगा दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो यहाँ पे जो आयन्स है उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, और आयन्स की मूवमेंट बढ़ने से क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो कंडक्टिविटी डिपेंड करती है तीन चीजों पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोबिलिटी ऑफ आयन एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। नाउ यहाँ पे आपको दिखा रखा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव वाले की तरफ जा रहा है और नेगेटिव जो है पॉजिटिव की तरफ। काफी सिंपल सा ये डायग्राम है, यहाँ पर मैंने दो इलेक्ट्रोड डाल रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव वाला चार्ज नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव वाला चार्ज पॉजिटिव की तरफ, और एक वोल्ट मीटर अप्लाई किया हुआ, एक सिंपल सॉल्यूशन डाला हुआ है, इस तरह से आपको बता देना है मूवमेंट ऑफ आयन, ठीक है। यहाँ पे देखो माइग्रेशन हो रहा है आयन्स का, आयन्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट लाइक ए मेटल कंडक्टर। देखो ये जो सॉल्यूशन है ना, जैसे मान लो ये सॉल्यूशन बनाया, तो यहाँ पे करंट कैसे पास हो रहा है, जैसे मेटेलिक कंडक्टर में होता है। मेटेलिक कंडक्टर आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा कि इस तरह से मान लो कोई लोहे की रोड है और यहाँ पे करंट पास कराना है, ओम्स लॉ वगैरह सब पढ़े होंगे, तो सॉल्यूशन में उसी तरह से करंट पास होता है जैसे मेटेलिक कंडक्टर में होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है वो ओम्स लॉ को ओबे करता है, ओबे करता है मतलब फॉलो करता है। ओम लॉ आप सभी को पता होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। देखो यहाँ पर ओम लॉ क्या बोलता है, करंट फ्लो इन ए कंडक्टर, जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है और इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज करोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा, सीधी सी बात है, V इक्वल्स टू IR, ये होता है ओम्स लॉ, ठीक है। जहां पर क्या होता है, वोल्टेज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूं जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक बात बताओ, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, ठीक है। आपके पास एक रास्ता है और अगर उस रास्ते में काफी सारी यहाँ पे रुकावटें हैं तो आप आसानी से इस रास्ते को पार नहीं कर सकते, ठीक है, और एक प्लेन रास्ता है तो आप आसानी से उस रास्ते को पार कर सकते। तो रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, अगर रुकावट ज्यादा तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे देखो कितनी सारी रुकावट है, यहाँ पे करंट फ्लो होगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, रुकावट ज्यादा है तो करंट फ्लो कम है। तो वही मैंने बोला कि अगर आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट फ्लो आपका कम होगा, और अगर आपका रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट फ्लो आपका ज्यादा होगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग होगी, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओके, नाउ यहाँ पे लिखा है, देखो आई इक्वल्स टू वी बाई आर, ये निकलता है कंक्लूजन, क्योंकि ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, वी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। अब मैंने क्या करा है, यहाँ पे आर को नीचे भेज दिया, तो आई इक्वल्स टू वी बाय आर, ठीक है, मतलब जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, और जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। नाउ कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस कुछ भी नहीं है, एबिलिटी है अपने अंदर से करंट पास कराने की, करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, उसे हम कहेंगे कंडक्टेंस, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर बनाया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक दूसरा कंडक्टर बनाया, इस कंडक्टर की एबिलिटी है कि ये बहुत अच्छे से करंट पास कर देगा,
और इस कंडक्टर की एबिलिटी ही नहीं है कि ये करंट पास करे, तो कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी? जो करंट पास कर दे, मतलब इसकी, सीधी सी बात है। तो कंडक्टेंस वही होता है करंट फ्लो करना, करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, उसे हम कहेंगे कंडक्टेंस। और इसे हम किसे लिखते हैं? ओम इनवर्स से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, तभी तो करंट बढ़ेगा, रुकावटें कम तो करंट ज्यादा फ्लो, सीधी सी बात है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टेंस, तो देखो जितनी ज्यादा आयन होंगे, एक बात बताओ, ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे आयन है, तो जितने ज्यादा आयन उतने ज्यादा आयन की मूवमेंट, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, जितने ज्यादा आयन उतना ज्यादा आयन्स का मूवमेंट और उतना ज्यादा कंडक्टिविटी, ठीक है। तो जितना ज्यादा आयन होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, सीधी सी बात है। मूवमेंट ऑफ आयन से क्या आती है? कंडक्टिविटी आती है, और डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आयन, जितना ज्यादा आयन उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, ठीक है। और एक बात और मैंने बताई थी कि कंडक्टिविटी और मूवमेंट ऑफ आयन किससे बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। और अगर मान लो ये कोई सॉल्यूशन है और इसमें से आपने आयन निकाल लिए तो इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, और अगर आपने इसमें आयन्स और डाल दिए तो ज्यादा आयन ज्यादा मूवमेंट ज्यादा कंडक्टिविटी, तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो वही लिखा है कि कंडक्टिविटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, डिपेंड करता है किस तरह से आप आयन्स को रिप्लेस कर रहे हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। यहाँ पे तीन तरह से हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। ओके, वन बाय वन देख लेते हैं, बेसिक बेसिक डेफिनेशन है। तो देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कप्पा से डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिनोटेड बाय के मीन्स कप्पा। ओके, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है आपको, के इक्वल्स टू वन बाय एस। एस का मतलब क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, अब अपन क्या बोलेंगे? के इक्वल्स टू वन अपॉन आर ए बाय एल। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? यहां से आया है। देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो आप समझ गए, ठीक है, डिनोटेड बाय कप्पा, बात खत्म। वो ऊपर कंडक्टेंस पढ़ा था वो ये है। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड हुआ वो देखते हैं। देखो तो देखो यहाँ पे दे रखा है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ओके, और यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमें कोई कॉन्स्टेंट एड करना पड़ेगा, और इस कॉन्स्टेंट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये जो कॉन्स्टेंट है ये है रो, और इसका नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो कि एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो आर क्या हो गया? रो एल बाय ए, ठीक है। अब यहां पे देखो आप, आर क्या हो गया था? रो एल बाय ए। तो हम यहां लिखते हैं आर इक्वल टू रो एल बाय ए। ओके, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है मैंने? आर ए बाय एल। तो अगर मैं इस ए को यहां पे भेजू, आर ए बाय एल, यही होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? रो इक्वल टू आर ए बाय एल, ये आ गया आर ए बाय एल। तो अगर जिसे याद रहता है ठीक है, जिसे नहीं याद रहता सीधा याद रख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नाउ नेक्स्ट, ये सब हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है कि अगर आपने दो इलेक्ट्रोड रखी है, पैरेलल इलेक्ट्रोड, ठीक है, उन दोनों के बीच में आप गैप रख दो 1 सेंटीमीटर का, और इतना स्पेस रखो कि सॉल्यूशन आसानी से फील हो जाए, सीधी सी बात है। जैसे यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगाई है, तो इन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप रखो, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, ठीक है। देखो व्हेन प्लेस बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, लार्ज इनफ टू कंटेन ऑल द सॉल्यूशन बिटवीन देम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो पैरेलल इलेक्ट्रोड लेनी है, दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, और यहाँ पर वो जो कंटेनर है वो इतना लार्ज होना चाहिए, इतना इनफ होना चाहिए कि सारा सॉल्यूशन उसके बीच में आ जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मोलर कंडक्टेंस। तो देखो मोलर कंडक्टेंस को हम लेमडा से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेमडा से हम मोलर कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने?
कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट। 1 मोल सोल्यूट का 1000 ml सोल्यूशन में, उसे हम कहेंगे मोलर कंडक्टेंस। सो व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस? 1 मोल सोल्यूट का 1000 ml सोल्यूशन में, क्या बोल रहा हूं मैं, 1 मोल सोल्यूट का 1000 ml सोल्यूशन में, दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस, जिसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू 1000/c। और सी क्या है? कंसंट्रेशन। ओके, सोल्यूट की कंसंट्रेशन। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कंडक्टोमीटर। तो कुछ भी नहीं है, कंडक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंडक्टेंस को मेजर करता है। नाउ नेक्स्ट, जो कंडक्टिविटी हम मेजर करते हैं उसमें करंट सोर्स क्या है? ठीक है, तो एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में एसी डीसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। ओके, तो वही सब है, उसी की वजह से यहाँ पर चार्ज आता है, उसी की वजह से यहाँ पर करंट आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी मीटर। तो देखो, कंडक्टिविटी मीटर नाम से पता लग रहा है कि कुछ मेजर करेगा, क्योंकि मीटर है और मीटर लग रहा है तो उसमें रीडिंग्स आएगी, कुछ मेजर होगा। तो ये क्या मेजर करेगा? कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को कौन मेजर करेगा? कंडक्टिविटी मीटर, नाम से पता लग रहा है। कंडक्टिविटी मीटर मतलब सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर करना। ठीक है, यहाँ पर हम वाइड माउथेड सेल यूज करते हैं कंडक्टोमीटर में। क्या यूज करते हैं? वाइड माउथ सेल। ठीक है, ऐसे नॉर्मल सेल नहीं करते, वाइड माउथ वाले सेल करते हैं। दो तरह से एग्जांपल है यहाँ पे कंडक्टिविटी मीटर के, एक तो लो कंडक्टेंस मेजरमेंट सेल और एक है डिप टाइप सेल। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने लो कंडक्टेंस आपको समझा रखा है, कोई भी एक एग्जांपल लेके मैंने। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला आपको कि वाइड माउथ यूज करते हैं हम, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कंडक्टिविटी मीटर में कि यहाँ पर हम वाइड माउथ वाली सेल जो है यूज करते हैं, ये देखो। ठीक है, एक एग्जांपल देख रहे हैं लो कंडक्टेंस मेजरमेंट सेल का, ये रहा। यहाँ पर भी देखो वाइड माउथ है, बोरोसिलिकेट ग्लास है और बोतल जो है डायरेक्टली फिट है बार्क कोक से। यहाँ पर एक बार्क कोक लगा हुआ है और यहाँ पर ये कोमा आएगा ए के बाद, ए कोमा प्लेटिनम वायर, ये पीटी डॉट प्लेटिनम है। ओके, प्लेटिनम वायर यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये डायग्राम आपको बनाना है, प्लेटिनम वायर इलेक्ट्रोड, ये प्लेटिनम वायर ये वाला है। ठीक है, ये वाला, ये जो बीच में लग रहा है, ये जो बीच में वायर लग रहा है ये प्लेटिनम वायर है। इसको थोड़ा और एरो को ये कर लेना, ये इलेक्ट्रोड है, ये बोरोसिलिकेट ग्लास बोटल है और यहाँ पर आपका सॉल्यूशन जिसमें आयन वगैरह की कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रोड के बारे में बता रखा है कि इलेक्ट्रोड जो है जनरली किसके बने होते हैं? पैरेलल शीट ऑफ प्लेटिनम फॉइल, ठीक है, जो कि इजीली बेंड नहीं होते। तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? द इलेक्ट्रोड आर जनरली मेड अप ऑफ टू पैरेलल शीट ऑफ प्लेटिनम फॉइल विच डू नॉट बेंड रेडियली। एंड नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है द डीप इलेक्ट्रोड पासिंग द करंट फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर डीप के बारे में, डिप टाइप सेल भी होती है, उसके लिए डिप इलेक्ट्रोड होता है जो कि करंट पास करता है 15 से 20 मिनट। तो देखो सीधा सा है, कंडक्टिविटी मीटर जो है कंडक्टिविटी का पता करती है। अब कंडक्टिविटी के एग्जांपल है कि कंडक्टिविटी मीटर के एग्जांपल दो हैं, एक तो लो कंडक्टेंस और दूसरा डिप टाइप। लो कंडक्टेंस हमने देखा कि वाइड माउथ बोरोसिलिकेट है, ठीक है, बोतल जो है डायरेक्टली बार कोक से फिट है, प्लेटिनम वायर प्रेजेंट है, यहाँ पर आपने देखा, ठीक है, बोरोसिलिकेट ग्लास है, प्लेटिनम वायर है, इलेक्ट्रोड है, एनालाइट सॉल्यूशन है। तो ये है आपका फाइनल लेक्चर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इंट्रोडक्शन पूरा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का। मैंने काफ़ी टाइम लिया, अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको, काफ़ी डिमांडेबल टॉपिक था। ठीक है, इसका कंटेंट अच्छा मिलता नहीं है जनरली, तो मैंने खुद नहीं बनाया है और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर किसी का भाई बंधु क्लास 10th में है या 11th 12th में नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैंने बायोलॉजी केमिस्ट्री के एक क्विक रिवीजन सीरीज और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रखी है, तो ज़रूर सजेस्ट करें उन्हें। और साथ में सेकंड सेमेस्टर में बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा, तो स्टे ट्यून्ड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।